कहां से ले गए इसे पकड़ के? क्या किया इसने? सर सर मेरी शादी हो रही थी, इन्होंने शादी के मंडप में छापा मारा और मुझे और मेरी दुल्हन को पकड़कर यहाँ ले गए। साहब आज शादियों में भी छापे पड़ने लगे, क्या होगा इस मुल्क का? मेरी दुल्हन कहां है? अरे भाई कहां हो तुम? आ रही है ना, तो हट जा पीछे। मिस्टर थानेदार, मिस्टर थानेदार, व्हाट इज दिस? आइए बैठिए। नहीं जी आप बैठिए। ओके थैंक यू जी। हमारी शादी हो रही थी। हमारी जी नहीं, हमारी। ओके ओके हाँ। और आपका ये हवलदार हमें पकड़ के लेके आया फ्रॉम मंडप इन सेवेंथ फेरा। वेरी बैड ऑन योर पार्ट सर। हवलदार जी, इस मुल्क में शादी करना ना हो गया कोई जुर्म है? शादी करना बताइए, आप क्या गलती कर रहे थे वो है? आपका नाम, सॉरी आपका नाम क्या है? जी माय नेम इज मॉर्निंग। मॉर्निंग अच्छा नाम है, लिखो मॉर्निंग। बाय द वे हवलदार साहब, हाँ जी, आपने ये छापा किस खुशी में मारा? क्योंकि शादी करो ना तो कुछ जुर्म है, ना गुनाह है, ना पाप है, आपकी तो खुद की दो लीगल शादियां हैं। जी कोई कंप्लेंट करेगा तो छापा मारना ही पड़ेगा ना। किसने की ये कंप्लेंट? मैंने की है साहब, मैंने की है कंप्लेंट। इसकी मैंने। सर 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 इसे थाने से दूर रखिए, ये बड़ी खतरनाक किस्म की औरत है सर। सर इसे ना हमारी शादी में छापा पड़वाया है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की औरत है, मुझे घर में घुसने तक नहीं देती सर। ये बहुत खतरनाक किस्म की औरत है साहब। जब बच्चे मेरे से पैसे मांगते हैं तो मैं कहाँ से लाऊं? साहब मेरे पांच पांच बच्चे हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे थाने का क्या कसूर है? आप थाने में आके क्यों बोल रही? साहब आपका कोई कसूर नहीं, कसूर था इसका जो मेरे बच्चों को भूखे मारता है। बच्चे तो इसी के। अब आई कानून की समय में सारी बात। उठो सर, उठो सर। तुम इसके पति हो हैं? सर हूँ नहीं था। तो ये बताओ कि तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये मेरी नफरत है और ये मेरी मोहब्बत है। साहब जी, एक 40 साल के खुसड़ बुड्ढे की 20 साल की जवान मोहब्बत है। देखो ये मोहब्बत, प्यार, इश्क, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये शादीशुदा है? हाँ। मतलब शादीशुदा है तो आप ये चाहती हैं ना कि मतलब इसकी शादी से कैसे हो सकती है? शादी इसकी आपके साथ हो चुकी है, इसके साथ इसकी शादी। ठहरो मेरी माँ, ठहरो। थानेदार साहब मुझे क्या पता थाने में ठहरना भी पड़ता है? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहती है ना कि इन दोनों की शादी हो? हरगिज़ नहीं चाहती जी। तो बात खत्म बस है। भाई साहब देखिए, आपकी इस कन्या से शादी नहीं हो सकती। इस लड़की को अपने लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। हवलदार साहब अपनी औकात में रहिए। मैं वही तो कह रहा था। आप जो कह रहे हैं मुझे सब पता है, जो आपके दिमाग में होता है ना मेरे नाखून में होता है। हाँ हटके हटके तो ठीक है भाई साहब, आपकी शादी नहीं हो सकती, बस फाइनल। सर ऐसा जुल्म मत कीजिए सर। सर हमारी जोड़ी देखिए और हमारी जोड़ी देखिए। देखो भाई, ये तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो जब इनके साथ शादी हो गई तो हर नेक शरीफ इज्जतदार आदमी का यह फर्ज बनता है कि जिसके साथ एक बार शादी हो गई पूरी जिंदगी उसके साथ बसर करे। ये हमारा इखलाकी फर्ज है। अपनी बीवी के साथ घर जाइए, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर कीजिए। सर 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 प्लीज सर, बस हट जाइए पीछे और इस कन्या को तो आप बस भूल ही जाइए। सर ये जुल्म है, प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए हम पर। अच्छा अच्छा ये जुल्म है, तो अब तक जो कर रहा था मैं जुल्म था वो। तो बच्चे जुल्म की डेफिनेशन तो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। ये रहा रखो बेटा, है ना, हर चीज का एक हिसाब होता है। जुल्म क्या लेकिन पति को किसी से पिटता नहीं देख सकती है वो। देख देख तेरे लिए कैसे मर रही है वो बेचारी, और तू इसके साथ भागना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती है? अब भी इसके साथ नहीं रहना चाहता है ना तू? कोई बात नहीं, ठीक है हवलदार, इसको डाल दो अंदर। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीवी ने मेरे लिए आपके आगे हाथ जोड़ के मेरी आंखें खोल दी है।
अब तुम सीधा घर ही जाएंगे। चलो जी। देखो चलिए चलिए आप निकलिए बस। चलो मैं भी घर छोड़ देता हूँ। ओए ओए इसको रहने दो बस, ये लड़की नहीं जाएगी, आप दोनों निकलो चलो। सर ये यहाँ दरअसल इसकी अभी हमें स्टेटमेंट लेनी है। स्टेटमेंट? ना को आप निकलो बस, इसकी स्टेटमेंट लेके इसको बाइज्जत हिफाजत के साथ इसके घर पहुंचा दिया जाएगा। कानून की ड्यूटी है भैया, आप निकलो। चलो ठीक है जी, निकलो। ध्यान रखना अपना। तो लड़की तुम्हें शर्म नहीं आते किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाते हुए हैं? जिस आदमी से शादी करना चाहती हो वो शादीशुदा है, पांच पांच बच्चे हैं उसके। तो मैं क्या करूं सर, मेरा बचपन से एक पैशन रहा है कि अगर मैं शादी करूंगी तो एक शादीशुदा इंसान से ही करूंगी, और अगर इश्क भी करूंगी तो भी एक शादीशुदा इंसान से ही करूंगी। शादीशुदा आदमी से इश्क करोगी तुम? शादीशुदा आदमी से इश्क करोगी तुम? जी हाँ सर। पक्का? पक्का। श्योर? हवलदार जी। हाँ यस सर। आप जरा थाने का ध्यान रखिए, मैं इनको घर छोड़ के आता हूँ।